दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। और अलंकारों की स्टडी में दोस्तों आज हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार शुरुआत कहां से होती है? सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संबंधित क्रमेण तेन एव आवृत्ति यम कम विनीत गद्यते, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, आवृत्ति तो होती है पर वो क्रम से होती है, यही यमक है। और सबसे बड़ी बात, सत्य से इसकी शुरुआत होती है, सबसे बहुत ही मतलब प्यारा अलंकार है, ठीक है। और जहां ये अलंकार लगता है वहां तो आप मानो कि उसकी शोभा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो दोस्तों यमक अलंकार को समझने के लिए मेरे साथ चलिए क्लास में। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों देखेंगे अगला अलंकार यमक अलंकार, ठीक है ना। यमक अलंकार में देखो ये लक्षण है और ये इसका उदाहरण, ठीक। यमक अलंकार कहता है कि सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगले क्रमेण तेने आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेने आवर्ती यमकम विनिगद्यते। देखो रिपीटेशन इसमें भी होता है ना, रिपीटेशन इसमें भी होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो रिपीटेशन है वो क्रम से होता है। अब किसका होता है? स्वर व्यंजन समूह की, है ना। स्वर व्यंजन संगते यानी स्वर और व्यंजन के समूह की इसमें क्रम से आवर्ती होती है। जो रिपीटेशन होता है वो पूर्णतः क्रम पूर्वक होता है। स्वर व्यंजन समूह की इसमें जो है क्रम से आवर्ती होती है, इसीलिए इसको हम यमक अलंकार कहते हैं। दूसरी बात, ये जो स्वर व्यंजन समूह है ये क्या होना चाहिए? अर्थवान होना चाहिए। स्वर व्यंजन जो समूह है ये क्या होना चाहिए? अर्थवान होना चाहिए, यानी कि इसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना ही चाहिए, ऐसी इसकी पहली शर्त है। स्वर व्यंजन समूह में क्या होना चाहिए कि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, इसलिए यानी ये सार्थक होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात, जब दोबारा वो रिपीट हो तब उसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा उससे भिन्न होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये एक सार्थक और निरर्थक भी हो सकता है कहीं कहीं। पहली शर्त तो ये है कि जो स्वर व्यंजन समूह है वो अर्थवान यानी सार्थक होना चाहिए, हालांकि कहीं कहीं निरर्थक भी हो सकता है। दूसरी बात, वो क्रम से उसकी आवृत्ति होनी चाहिए। तीसरी बात, जब वो पहला शब्द है और जो रिपीट हो रहा है अगली बार दोबारा, तो उसके दोनों के अर्थ में थोड़ी भिन्नता भी होनी चाहिए। ये चीज कहता है, एक तो शब्द अर्थवान हो यानी सार्थक हो पहली बात, दूसरी बात अर्थ भिन्नता, है ना, अर्थ भिन्नता भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यमक अलंकार कहा गया। उदाहरण देखो आप, नव पलाश पलाशवनम पुरे स्फुट पराग परागत पंकजम, ठीक है ना। नव पलाश पलाशवनम पुरे स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांतम लतांतम अलोक्यत, ठीक है ना। मृदुल तांतम लतांतम अलोक्यत सुरभिम सुरभि सुमनो। देखो ये हरे ही है, कहीं कहीं भरे भी मिलता है ना, कहीं कहीं भरे भी मिलता है। तो इस विवाद में अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन केवल एग्जाम के हिसाब से इसको समझेंगे, कहीं हरे ही है कहीं भरे ही है, ठीक है। उदाहरण है, नव पलाश पलाशवनम पुरे स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतम अलोक्यत सुरभिम सुरभि सुमनो हरे या भरे। अब देखो इसमें रिपीटेशन कहां का है, पलाश शब्द रिपीट हो रहा है, पराग शब्द रिपीट हो रहा है, लतांत शब्द रिपीट हो रहा है और सुरभि शब्द रिपीट हो रहा है। इस प्रकार इसमें क्या है कि चार शब्द रिपीट हो रहे हैं। अब देखो पहले में क्या है कि पलाश है ना, दूसरे में भी पलाश, लेकिन इनके अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न है। पहले में तो जो पलाश का अर्थ है उसका अर्थ हो गया पत्ते या पत्र, और दूसरे में जो पलाश है उसका अर्थ है धाग के वृक्ष, है ना। पलाश के फूल देखें लाल रंग के होते हैं, तो ये नव पलाश का मतलब तो है नए पत्ते, और ये पलाश वनम का मतलब है ऐसा वन जहां पलाश के वृक्ष हैं, ठीक है ना। ये चीज इस प्रकार इसमें दोनों में भिन्न है, और ये दोनों के दोनों क्या है, रिपीट तो हुए पर दोनों में इसके अर्थ अलग अलग है। अच्छा, दूसरी चीज जब चौथा वर्ण देख लें अपन इसका, ये पहला वर्ण है ना, ये इसका चौथा चरण है, पहला चरण चौथा चरण, इसमें सुरभि शब्द रिपीट हो रहा है ना, सह सुरभि सुरभि सुमनो हरे या भरे। यहां ये क्या कह रहा है कि इसमें जो पहली सुरभि है ये तो है सुगंध, है ना, और ये सुरभि क्या है, ये वसंत ऋतु संबंधित है, ये तो है सुगंध और ये वसंत ऋतु संबंधित है। शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, यही यमक अलंकार है।
यमक अलंकार में क्या है कि पहली बात तो जो स्वरव्यंजन समूह की आवृत्ति है वो अर्थवान होनी चाहिए, यानी सार्थक होनी चाहिए। फिर दूसरी बात उनके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। फिर वो क्रम से होने चाहिए, यानी कि क्रम से मतलब समझ लो इसमें आप, ये सबसे बड़ी चीज है क्रम से, बस यहां यही समझना है। ठीक, अनुप्रास में क्रम से नहीं हो रही थी, यहां क्रम से हो रही है। कैसे? पलाश के बाद ही पलाश आया, ये नहीं पलाश यहां आ गया फिर यहां आ गया फिर यहां आ गया, ये चीज पराग के बाद ही पराग आया, यानी कि एक के बाद ही। क्रम से का मतलब एक के बाद एक। देखो इसलिए बार बार बोलता हूं वीडियो पूरे देखा करो, क्योंकि यहां मैं शुरू में बताया था मैंने क्रम से होती है, अब मैं आपको बता रहा हूं क्रम क्या होता है, यानी कि एक के बाद एक होगा। पलाश के बाद पलाश आया, पराग के बाद तुरंत बाद पराग आया है, लतांत के बाद तुरंत बाद लतांत आया, सुरभि के बाद तुरंत बाद सुरभि आई है। ये क्रम से आवृत्ति है, जहां आपको ऐसे मिल जाए शब्द एक के पीछे एक लिखे हुए है ना, वहां आंख बंद करके आपको कौन सा अलंकार कर देना है, यमक अलंकार कर देना है। ठीक है, ये चीज समझने की थी इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी कहीं कहीं शब्द मैंने कहा तो निरर्थक भी हो सकते हैं, तो जैसे पराग पराग यहाँ ये निरर्थक ही हो गया है। ठीक है ना, और इस प्रकार लतांतम लतांत में भी निरर्थक हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग है। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।